हेलो फ्रेंड्स, ज्योति की फुलवारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अप्रैल के महीने में मैं कुछ विंटर फ्लावर प्लांट्स के सीड कलेक्ट कर रही हूँ, साथ ही कुछ वेजिटेबल्स प्लांट्स के भी सीड कलेक्ट करना आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये जो विंटर में मैंने लेट्यूस यानी कि सैलड लीव्स लगाई थी, ये उसी के फ्लावर्स हैं और सूख गया है, और उसी में देखिए लेट्यूस के सीड्स बन गए हैं। तो आज उसको हार्वेस्ट करूँगी। तो देखिए कैसे उसके सीड पॉट है, और ये इसी सीड पॉट में इसके सीड्स लगे हुए हैं। देखिए एकदम ड्राई हो गया है, और किस तरह से देखिए इसके सीड्स को निकाली जाती है। आप पूरे प्लांट को उखाड़ कर और फिर एक कपड़े में रख कर उसको झाड़ सकते हैं, वैसे भी आप सीड निकाल सकते हैं। देखिए ये जो ब्लैक ब्लैक जीरा के जैसा दिख रहा है छोटा छोटा, यही इसका सीड है लेटस का। देखिए इस तरह से निकालिए। तो एक प्लांट में बहुत सारे सीड बन मिल सकते हैं, और मैंने तो तीन तीन प्लांट छोड़ी हुई है सीड के लिए। और ये देखिए ये अनियन के सीड्स हैं, देखिए ये फ्लावर है, फिर उसी फ्लावर में देखिए इस तरह से ये इसका सीड पॉट है, और इसी सीड पॉट के अंदर से देखिए अनियन के सीड निकल कर आए हैं। बहुत लोग इसको कलौंजी भी बोलते हैं, मंगरेल, लेकिन मंगरेल अलग होता है कलौंजी, ये अनियन का सीड है। देखिए कितने सारे एक फ्लावर में कितने सारे सीड पॉट हैं, और आप घर पर ही जो ऑनियन स्प्राउटिंग हो जाता है उसी ऑनियन को मैंने लगा दी थी स्प्रिंग अनियन, यानी कि अनियन के लीव्स लेने के लिए, आप सैलेड में ड्रेसिंग करने के लिए घर में इस तरह से लगा सकते हैं, और फिर सीड पॉट बनाकर आप घर में लगा सकते हैं बहुत सारे अनियन को। और दोस्तों ये देखिए ये कॉप्सकॉम के सीड्स हैं, और जितना ही ये फ्लावर होता है अनगिनत ढेरों सीड्स उसमें निकल कर आते हैं। एक बार आप अपने गार्डन में इसको लगाइएगा तो ये उड़ उड़ कर हर पॉट में सीड गिरेंगे, और फिर कभी आपको इसको ग्रो करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों ये देखिए, इसको तो कौन नहीं जानता है, ये पेटूनिया का फ्लावर है। अब इसका सीजन जा चुका है, तो देखिए इसका ये सीड पॉट है, और इसी सीड पॉट के अंदर ब्लैक ब्लैक कलर का बहुत ही छोटा छोटा सा सीड होता है, और कई बार तो मिट्टी में ये सीड पॉट फटकर गिर जाते हैं, और ये सीड्स खुद ही जर्मिनेट हो जाते हैं सीज़न आने पर, समय आने पर। तो वही हुआ है मेरे प्लांट के साथ, इसमें सारे सीड पॉट फटकर गिर गए हैं। और वैसे तो मैंने ढेर सारे सीड्स पहले ही हार्वेस्ट कर ली है, तो आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यही सीड पॉट है इसका, देखिए ये वाला, और इसी के अंदर से छोटे छोटे बारीक बारीक ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना मेरे उंगलियों पे चिपकी हुई, वही उसके सीड्स हैं। और दोस्तों चलिए अभी कुछ और कलेक्ट करते हैं। और ये देखिए कार्नेशन है, और ये इसका सीड पॉट है, और ये पेरेनियल होता है, ये मतलब दो तीन साल चल जाएंगे आराम से एक ही प्लांट, अगर आप बारिश में इसको बचा ले तो, क्योंकि समर में भी ये चल जाता है, और मैं लास्ट ईयर के भी कार्नेशन को बचा कर रखी हूँ। तो जब ये मैच्योर हो जाता, अभी इसमें मेरा मैच्योर नहीं है, जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसी में ब्लैक कलर के चपटे चपटे सीड बनते हैं। तो अभी अगर कोई दिखता है तो मैं दिखाती हूँ, लेकिन इसी सीड पॉट के अंदर ही सीड बनता है ब्लैक कलर का, फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो सीड पॉट अगर आप पहचाना सीख जाएंगे तो सीड भी पहचाना सीख जाएंगे। और ये देखिए एस्टर का फ्लावर प्लांट है, और इसी में देखिए यही फ्लावर ही इसका सीड बनता है, बस इसको ऐसे झाड़ लेना है और हल्के से इसको सुखा लेना है एक दो दिन, ऐसा सुखाना है कि ये उड़े नहीं, ढककर और नेक्स्ट ईयर के लिए फंजीसाइड मिलाकर सेव कर ले। दोस्तों देखिए बात हो ही रही है सीड की, तो मैं पुलका डॉट की सीडलिंग्स दिखा रही हूँ आपको, और मैंने विंटर में कई बार आपको अपने वीडियो में पुलका डॉट के फ्लावर्स दिखाए हैं, कि लाइट कलर के पुलका डॉट में लाइट कलर के फ्लावर और डार्क कलर के पुलका डॉट में डार्क कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो उसी फ्लावर्स में सीड पॉट बने और खुद ही ये गिर गया और खुद ही जर्मिनेट हो गया, ढेरों पुलका डॉट के प्लांट्स हैं देखिए। और दोस्तों ये एनुअल क्रैसेंथेमम का प्लांट है, तो ये फूल में ही इसके सीड रहते हैं, साइड साइड्स की पत्तियाँ जो फूल की पंखुड़ियाँ हैं उसी को आप झाड़ लीजिए, और पूरे फूल को भी झाड़ सकते हैं, लेकिन साइड वाला जो होता है ना उससे बहुत ही सुंदर फ्लावर निकल के आते हैं, बंचेस में निकल कर आते हैं। और ये देखिए चीरा मीरा का सीड पॉट है,
तो चिरा मीरा का सीड भी देखिए खुद ही बस्ट होकर गिरते रहता है और खुद ही प्लांट जर्मिनेट होते रहता है दोस्तों। और देखिए ये बर्बीना, विंटर के बर्बीना है ये, और ये बर्बीना के फ्लावर्स हैं, अभी भी कुछ कुछ खिल रहे। और ये इसका सीड पॉट है, ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, बस इसमें मिली बग बहुत ज़्यादा लगता है ये सर्दियों वाले बर्बीना में, और स्पाइडर मैट्स भी इसमें बहुत जल्दी लगता है। तो उसके भी सीड पॉट आपने कलेक्ट कर लिया। और चलिए अब मैं डाइंथस के सीड पॉट आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये डाइंथस के सीड पॉट हैं, और इसी में ब्लैक कलर के सीड आते हैं, जैसे कार्नेशन का सीड होता है ना, वैसे ही डाइंथस का भी सीड होता है। ये देखिए इसमें बना हुआ है, ये देखिए। और जब भी आप सीड को स्टोर करें तो ध्यान रखें कि हल्का सा उसको सुखा लें, मॉइस्चर हटा लें, और देखिए ये ब्लैक वाला ही है, और फिर उसमें फंजीसाइड मिलाकर किसी अच्छे एयर टाइट कंटेनर में सेव कर लें। तो मैंने तो इसको इसी में गिरा दी। और ये देखिए गजानिया, जो कि बहुत ही हार्डी प्लांट है विंटर का, और ये गजानिया में देखिए इस तरह से इसके सीड पॉट होते हैं। तो इस तरह से आप घर में ही कई सारे सीड कलेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखा रही हूँ नेक्स्ट ये स्टॉक का, ये सीड है स्टॉक फ्लावरिंग प्लांट का, और ये मेरा देसी वाला स्टॉक का प्लांट है, और हाइब्रिड स्टॉक का फ्लावर्स बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन वो मिला नहीं मुझे। तो देखिए भर भर कर इसमें सीड पॉट बनी हुई है। तो ये देखिए इस तरह से इसके ये सीड्स हैं अंदर में, ऐसा लग रहा है ना कि सरसों की फलियां हैं और अंदर में छोटे छोटे से सरसों हैं, लेकिन ये जो चपटा चपटा सा ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना, यही इसका सीड है। ये देखिए इस सीड पॉट के अंदर में, और ढेरों सीड्स हैं। नेक्स्ट ईयर तो मुझे बहुत कुछ ख़रीदना नहीं पड़ेगा दोस्तों। और नेक्स्ट अब दिखाती हूँ डॉग फ्लावर के सीड्स। देखिए एक कोचिया भी जर्मिनेट हो गया है, और ये डॉग फ्लावर के फ्लावर्स अभी भी ब्लूम हो रहे हैं। और ये देखिए ये इसका सीड पॉट है, इसमें भी पिटूनिया से थोड़ी सी बड़ी आकार की सीड्स होती है, लेकिन देखने में बिल्कुल पिटूनिया के सीड ही लगते हैं, ब्लैक ब्लैक उसी तरह से। ये देखिए आपको दिख पा रहा होगा दाना दाना ब्लैक कलर का। तो दोस्तों इस तरह से आप घर में अपने बहुत सारे प्लांट्स के सीड कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी सीड कलेक्ट करें, और मैंने तो इसी में डाल दिए, नेक्स्ट ईयर ये खुद ही जर्मिनेट हो जाएगा। तो आपसे अगर सीड ना संभले तो आप इस तरह से मिट्टी में कुछ एक सीड को सेव करिए और कुछ एक को ऐसे ढाल दिया करिए, और देखिए कितना अच्छा से बार्क कर रहा है ना, इसीलिए इसका नाम है डॉग फ्लावर। और मुझे इस तरह से करना बहुत ही पसंद है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए ये ड्रेसिना का सीड पॉट है, ये जो आपको गोल गोल दिख रहा है ना चेरी के जैसा, तो यही ड्रेसिना इंडोर प्लांट्स के ये फ्लावर्स तो सूख गए हैं, मैं सोचते ही रह गई कैप्चर करूँगी और कैप्चर नहीं किया, लेकिन सीड पॉट आप लोगों को ज़रूर शो कर रही हूँ। तो यही इसका सीड पॉट है, इसी के अंदर से सीड्स निकलेंगे। तो मैं इसकी मैच्योर होने की वेट कर रही हूँ, इसीलिए आप लोगों को खोलकर नहीं दिखा रही हूँ सीड पॉट। तो आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, और होप है कि आप सभी भी सीड कलेक्ट करेंगे, इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर ज़रूर सीड कलेक्ट करना घर से। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ, तो टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गो विद ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।